मुझे पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ये बात तो आपने जरूर सुना होगा या फिर बचपन में आप ही ने कहा होगा। दिस इज द ट्रूथ ऑफ आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। शायद इसी रीजन से इंडिया का रैंक ग्लोबली 33 नंबर पे आता है एंड ब्रिक्स जैसे यूनियन में भी इंडिया का रैंक सबसे पीछे है। लेकिन कौन है जिम्मेदार इसके लिए? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन सिस्टम या फिर टीचर्स? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांजन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाई वी नीड अ बिग चेंज इन आवर एजुकेशन सिस्टम, इससे स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी में क्या अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। बट बिफोर जंप टू द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज इफ यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आपको 2 ही सेकेंड लगेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, बट मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है इसके। नालंदा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, दुनिया में सबसे पुराना ऑल्सो वन एंड ओनली एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। आपने नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन फिर कैसे इंडिया में इतने पुराने यूनिवर्सिटीज होने के बावजूद आज हम लोग वर्ल्ड रैंकिंग में इतने पीछे आ गए हैं? इन्वेडर्स ने सेंचुरीज पे सेंचुरीज इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे अटैक किया, नालंदा तक्षशिला जैसे यूनिवर्सिटीज को तोड़ दिया एंड किताबें ग्रंथ जला दिए। एंड गेस व्हाट, किसने इस स्टोरी का क्लाइमेक्स बनाया? थॉमस मैकॉली। इस महाशय के वजह से आज के इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे इतने प्रॉब्लम्स हैं। 19th सेंचुरी पे इन्होंने पूरे इंडिया में एक सर्वे किया एंड देखा यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ स्टूडेंट्स गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं जिसके लिए उन्हें एक मिनिमम फीस देना पड़ता है अपने गुरुज को, एंड ये सब पढ़ाई पेड़ के नीचे, नदी किनारे, पहाड़ों में, बेसिकली नेचर में होती है। अपने लोकल लैंग्वेज में पढ़ते हैं एंड आसपास के नेचर से, एनिमल्स से सीखते हैं, लैंडस्केप के बारे में पढ़ते हैं। वो इस एजुकेशन के थ्रू अपने विलेजेस एंड लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। बट ये ब्रिटिशों के एजेंडा के बिल्कुल ही ऑपोजिट था, बिकॉज जब तक ये गुरुकुल में स्टडी एंड एजुकेशन सिस्टम था तब तक इंडियंस को डिवाइड एंड रूल के थ्रू तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। वो हमें डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी के थ्रू तोड़ना चाहते थे, इसीलिए सूट बूट कल्चर एंड इंग्लिश लैंग्वेज को पेनिट्रेट किया, जिससे उन्होंने इंग्लिश बोलने वाले एंड अपने इशारों पे चलने वाले गुलाम मिल गए। बट अभी तो हम लोग इंडिपेंडेंट है, तो कब तक ब्रिटिशों को ब्लेम करते रहेंगे? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिसेंटली पास हुआ है एंड न्यू एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल से प्रेरित होकर बनाया गया है। एंड गवर्नमेंट इज प्रीटी सीरियस अबाउट दिस, बिकॉज अभी तक का सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन किया गया है, विच इज 6% ऑफ द GDP। इस पॉलिसी में पुराने 10th एंड 12th स्टैंडर्ड को रिप्लेस करके मल्टी डाइवर्स एक्सपेरिमेंटल स्किल बेस्ड एजुकेशनल सिस्टम को लाया गया है। आज तक चले आ रहे 10+2 के सिस्टम को चेंज करके 5+3+3+4 न्यू स्टेज मॉडल में ट्रांसफॉर्म किया गया है, जिसमें 5 साल प्री स्कूल से 2nd स्टैंडर्ड तक फाउंडेशनल स्टेज होता है। अगले 3 और 3 साल जो कि 3 से 5 और 6 से 8 प्रिपरेटरी एंड मिडिल एज का स्टेज कहा जाएगा, एंड आखिरी स्टेज 9-12 सेकेंडरी। न्यू एजुकेशन सिस्टम पे प्री स्कूल जैसे स्टेज पे टेक्स्ट बुक बेस्ड लर्निंग को हटाया गया है एंड उनके जगह पे टॉय बेस्ड लर्निंग को ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जैसे कि आइडेंटिफाइंग कलर्स, नंबर्स एंड स्ट्रक्चर्स, एंड आगे चल के पजल्स एंड मेज जैसे ब्रेन टिकलिंग एक्टिविटी भी इन्वॉल्व किया गया है, जिससे बचपन से प्रैक्टिकल नॉलेज, क्यूरियोसिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड भी डेवलप्ड होता है। प्रिपरेटरी स्टेज पे टीचिंग स्टाइल पे ज़्यादा फोकस गया है। आपने ज़रूर ये चीज़ लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस किया रहेगा कि आपके टीचर पढ़ाते जा रहे हैं लेकिन आपको समझ में घंटा कुछ नहीं आता है, बिकॉज ये वन वे लर्निंग होता है, जो टीचर अपने साइड से पढ़ाते जा रहे हैं लेकिन स्टूडेंट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। लेकिन इस बार स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो पढ़ाई का स्ट्रक्चर है उस पर ज़्यादा फोकस गया है, ताकि इसको मोर एंड मोर इंटरेक्टिव बनाया जाए। सिलेबस को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि लेसन्स एंड पोएम्स क्वेश्चन एंड आंसर्स के फॉर्म में फ्रेम्ड हो। पहले 11th एंड 12th में वोकेशनल कोर्सेज करने का ऑप्शन हुआ करता था, लेकिन अभी 6th स्टैंडर्ड से वोकेशनल कोर्सेज करने का ऑप्शन दिया गया है। वोकेशनल कोर्सेज में AI, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, मास मीडिया एंड ऐसे ही रियल वर्ल्ड में काम आने वाले स्किल्स एम्बेडेड किए गए हैं, एंड पूरे सिलेबस में बच्चों को डिजिटल एक्सेस हो इसके लिए स्वयं दीक्षा एंड ई पाठशाला जैसे पोर्टल बनाया गया है। ओवरऑल न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंडियन गवर्नमेंट ने अपने रूट के साथ जोड़ने का कोशिश किया है
एंड उसके लिए 2025 तक का टारगेट रखा है। तो इतने बड़े मेजर चेंजेस एंड एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाने के लिए 2025 का टारगेट बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। सो लेट्स सी इंडियन गवर्नमेंट को कैसे इतने बड़े टारगेट में सक्सेस मिलता है। बट बीइंग एन ऑप्टिमिस्टिक, मैं भी यही आशा करता हूँ कि हम सब मिलके गवर्नमेंट के साथ इतने बड़े जो रिफॉर्म्स है उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।